हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल में। तो आज मैं आप लोग को मोमोज बनाने का तरीका बता रही हूँ। तो इसके लिए मैंने पात गोभी और गाजर को कद्दूकस करके रख लिया है। अब मैं इसका पानी निकालने जा रही हूँ। ऐसे ही इसका पानी निकाला जाता है कपड़े में रख के, और इसका पानी निकाल लें। इसमें बहुत ही ज़्यादा पानी होता है, तो फिर पहले इसका निकाल लें पानी ऐसे करके। ऐसे हो गया, इसका पानी निकल गया। अब इसमें जो जो डलाता है इसको काट के मैं रख ली हूँ पहले ही। तो पहले प्याज डालना है, प्याज को छोटे छोटे पीस में काट ली हूँ, इसको डालना है। अब इसमें धनिया की पत्ती है, इसको मैं पहले ही काट के रख ली थी। ये धनिया की पत्ती डालना है। अब ये आदी है, इसको भी छोटे छोटे टुकड़े में काट के डालना है। और ये हरी मिर्च है, अब जितना तीखा पसंद करते हैं उतना डालें। और ये लहसुन है, इसको भी छोटे छोटे टुकड़े में काट के ही डालना है। अब हो गया, उसके बाद इसमें नमक डलाएगा। ये नमक और इसमें काली मिर्च, ये इतना काली मिर्च डलाएगा। जब जितना आपका हो उतना वही हिसाब से डालें। तो काली मिर्च है, अब सबको अच्छे से मिला लेना है। सबको अच्छे से थोड़ा सा सरसों का तेल डालें या रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिला लें। ये हो गया। अभी मैदा है, इसमें मैं नमक डाल दे रही हूँ और थोड़ा सा घी, सूखी या रिफाइन, अब जो जो अच्छा लगे आपको डालें। ये सूखी है। अब इसको मिला के और इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से गूंथ लेना है। ये हो गया। अब इसका दस मिनट रख के और फिर इसको छोटी छोटी लोई को बेल के ऐसे ही बेल के इसमें मसाले को भर के और इसको फिर बनाना है। इसको ऐसे करके चूनट जैसा करते जाएं, घुमा घुमा के, और फिर ऐसे ही शेप में दे देना है। ये हो गया मोमोज। या और भी शेप में बनता है, जो आपको अच्छा लगे वैसे ही बनाएं। मैं ऐसे ही बना रही हूँ इसको, इसको ऐसे बेल के। ऐसे ही कर लेना है चूनट दे दे के। ऐसे हो जाता है, शेप में आ जाता है। ये हो गया। अब ऐसे भाप में, नीचे कढ़ाई में पानी है, उसके ऊपर थाली रख दी हूँ, और ये भाप में अच्छे से हो जाएगा। मतलब भाप में इसको 10 मिनट तक पकाना है। और ये थाली में, इसमें थोड़ा सा मैं घी लगा दी हूँ, इसे चिपकेगा नहीं। ये हो गया, मतलब 10 मिनट में हो जाएगा, ये पक गया है। अब आप इसको ऐसे ही निकाल लें। ये बहुत ही ज़्यादा भाप आ रहा है, तो ये हो गया मोमोज बन गया। अब इसको हरी लाल चटनी के साथ खाएं। ये बन गया, बहुत ही सॉफ्ट बना है, खाने में भी बहुत टेस्टी है। अब आप इसको ऐसे ही खाएं।